हर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। प्रणाम प्रभु, कृपा कर मुझे अपना महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें। लीजिए माता, शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 समक्ष बड़े से बड़ा योद्धा भी शिथिल पड़ जाता है। विलंब क्यों? मेरे महास्त्र नारायण अस्त्र और रुद्रास्त्र अब तैयार है। जब तक तुम अपने शस्त्र से लक्ष्य साधोगी, मैं तुम पर प्रहार कर चुका हूँगा। नहीं भंडासुर, तुम्हारे सभी पापों का दंड तुम्हें इस अस्त्र से ही मिलेगा। मेरे हस्त कांप क्यों उठे? मैं अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने अधर्म से प्राप्त महास्त्र पर। तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ, उचित अवसर आने पर इसका कब और कैसे उपयोग करना है तुम भी ये भी भूल जाओगे। नहीं, किसी भी श्राप का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। इस अचूक अस्त्र का प्रयोग कर इस देवी का अंत करूंगा मैं। ये कैसे संभव है? मूर्ख भंडासुर, जिन त्रिदेवों की शक्ति का स्रोत स्वयं माता पराशक्ति है, उन्हीं त्रिदेवों की शक्ति का प्रयोग माता पराशक्ति के विरुद्ध करने जा रहा था। स्वयं प्रभु कामेश्वर मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं?
क्षमा। पिताश्री, तुमने उचित कहा था पुत्री, मैं भी कितना मूर्ख था। उनसे युद्ध करने जा रहा था जो समस्त संसार की जननी है, सर्वोच्च शक्ति है। किंतु ये मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे परम देवी माता पराशक्ति के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। पिताश्री, जल 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 चाहिए मुझे। प्रभु गणेश जी, क्या मैं अपने पिता को जल पिला सकती हूँ? अवश्य रश्मि प्रभा। ये लो रश्मि प्रभा। पिताश्री, मैं आ रही हूँ। पिताश्री, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। मेरी पुत्री। पिताश्री, मेरी रश्मि प्रभा। अभी भी मुझसे स्नेह है, अभी भी मैं कितना भागा हूँ अपनी पुत्री को, जी भर के स्नेह भी नहीं कर सका। पिताश्री, मैं जल ले आई। पिताश्री, पिताश्री आइए। पिताश्री, पिताश्री। नहीं पुत्री, क्षमा कर दो पुत्री, मैं तुम्हारा भी दोषी हूँ। मेरी पुत्री, तुमने सदा मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया, मैं ही उसका आदर ना कर सका। पिताश्री, पिताश्री, मैंने तुम्हारा त्याग किया, तुम्हें इतने कष्ट दिए, फिर भी तुम मेरे लिए अश्रु बहा रही हो। पिताश्री, आपको कुछ नहीं होगा। पिताश्री, ये सत्य है पुत्री कि तुम जैसी पुत्री का पिता बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने तो ऐसा अपराध किया है पुत्री कि मैं तो तुमसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहा। जिस चलता है के भाव में मैंने अपना जीवन आधारित किया था, जिसके कारण मैं अपना सब कुछ खो बैठा, कितना अनुचित था। आज मुझे अपनी मृत्यु शैया पर ज्ञात हुआ है। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्रेम से बढ़कर नहीं, ये अब समझाऊं मैं? नहीं पिताश्री, आप कुछ मत कहिए, लीजिए जल पीजिए। पिताश्री, पिताश्री जल पीजिए। पिताश्री, 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 पिताश्री। रश्मि प्रभा, तुम्हारे हाथों से जल पीने से इसके शेष पाप भी मिट गए। पिताश्री, तुम्हारे प्रेम ने ही इस पापी को पवित्रता प्रदान कर दी पुत्री। प्रेम हो तो कोई भी नकारात्मक भाव मिट जाता है। पिताश्री, और अपने वचन के अनुसार
मैं तुम्हारे पिता को मुक्ति प्रदान करती हूँ। पिताश्री, पिताश्री। आपकी पुत्री आपके बिना अकेली हो गई। आपकी ये प्रेम की निशानी सदैव अपने पास रखूंगी। चिंता मत करो रश्मि प्रभा, तुम अकेली नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। आज से सारे कैलाश निवासी है तुम्हारा परिवार। मान सरोवर के पास तुम्हारा जन्म हुआ था, इसलिए अब तुम सदा कैलाश में रहोगी। भंडासुर के अंत के साथ उसका भस्म में परिवर्तित होना संसार को ये शिक्षा देता है कि अनुचित अधर्म के मार्ग पर चलने का, चलता है का भाव को जीवन का मूल मंत्र बनाने का, कुछ पाने के लिए अधर्म, अन्याय और पाप की पराकाष्ठा पर जाने का यही परिणाम होता है। क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य तो ये भस्म ही है। अन्य सभी कामना, अहंकार, ईर्ष्या, धन आदि नश्वर हैं। शरीर भी नश्वर है, बस आत्मा और कर्म ही नाश के परे हैं। भंडासुर की नहीं है ये भस्म, ये मेरे स्वामी की है, ये मेरे स्वामी की है। ये तो प्रभु कामदेव की अर्धांगिनी देवी रति है। माता, दुष्ट पापी भंडासुर को भी आपकी कृपा से मुक्ति मिली, पर मुझे मेरे इस अकेलेपन से मुक्ति कब मिलेगी? मेरे सुहाग कब लौटेंगे? माता, मेरे स्वामी कामदेव ने महादेव पर कामवान साधने का दोष किया था, जिसका परिणाम उनका भस्म में परिवर्तित होना था। किंतु माता, मेरे स्वामी का प्रयोजन दोष पूर्ण कदापि नहीं था। तो माता, जब उनकी भस्म से उत्पन्न हुए भंडासुर को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो मेरे स्वामी को क्यों नहीं? मुझ पर दया कीजिए माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। इस भस्म को पुनः मेरे स्वामी में परिवर्तित कर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। उचित कहा देवी रति, कामना को सार्थक रूप से जागृत करने वाले कामदेव का इस संसार में होना अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न कामना से इस संसार का चक्र और सृष्टि आगे बढ़ती है। प्रणाम माता। स्वामी, स्वामी। कामदेव अपना मूल शरीर तो नहीं पा सकते, किंतु वो अब अपने इस पारदर्शी शरीर में सदा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद माता। पुत्र कामदेव, आज से तुम निर्भयता से इस संसार में विचरण करोगे और किसी को भी एक ही क्षण मोहित करने की शक्ति और अशकुक अर्थात शीघ्र गमन करने की शक्ति भी प्राप्त करोगे।
और बिना शरीर के होने के कारण तुम अनंग नाम से भी जाने जाओगे। तुम्हारे ही प्रभाव से नर नारी में संबंध स्थापित होंगे, जिसके उपरांत वो एक दूसरे को अपना अर्थ भाग मानेंगे। जो आज्ञा माता। श्री माता ललिता की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। क्या हुआ पुत्र गणेश, अब क्या चिंता सता रही है तुम? माता, भंडासुर का तो वध हो गया, किंतु संसार से चलता है का भाव कहाँ मिटा? मद, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो अभी भी संसार में व्याप्त है। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। कलयुग में चलता है का भाव का विस्तार अपने चरम पर हो और सभी विकार भी सभी सीमाओं के परे चले जाएंगे पुत्र। किंतु तुम चिंता मत करो पुत्र, कलयुग में विकारों से बचकर धन पद पर रहने का उपाय है। मेरे सहस्त्र नाम जाप के साथ मेरे श्री यंत्र श्री विद्या की आराधना। श्री विद्या आराधना माता? श्री विद्या अर्थात संसार की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने की एवं समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने की विद्या, जो मैं सर्वप्रथम नंदी जी को प्रदान कर रही हूँ। नंदी जी, आज आप इस युद्ध में मेरे सहायक बने, इसलिए आशीष स्वरूप मैं आपको श्री विद्या का ज्ञान देती हूँ, जो संसार तक आप ही के माध्यम से पहुंचेगा। जो आज्ञा माता। आपके सहस्त्र नाम माता? वो ज्ञान तो मैं प्रभु हैग्रीव को दे चुकी हूँ पुत्र, जो भविष्य में उसे ऋषि अगस्त्य तक पहुँचाएंगे, और फिर चलता है का भाव जब अपने चरम पर होगा तब उनके जीवन को सुपथ पर लाने के लिए मेरे श्री यंत्र और सहस्त्र नाम का उदय समाज में होगा। इन्हीं के जाप से चलता है के भाव का नाश होगा और छह विकार भी नियंत्रण में आएंगे। श्री यंत्र के विषय में कुछ और बताने की कृपा कीजिए। श्री यंत्र सभी यंत्रों में मुख्य है पुत्र गणेश। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास का प्रतीक होने के साथ साथ ये मानव शरीर का द्योतक भी है। मेरा पूजा चक्र है जिसके आधार पर मेरे श्री रथ का और मेरे श्री धाम का निर्माण हुआ है। इसके मध्य में बिंदु है, बाहर भूपुर, भूपुर के चारों ओर चार द्वार और 10 प्रकार के अव्यय हैं, जो इस प्रकार बिंदु, त्रिकोण, अष्टकोण, अंतर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल कमल, षोडशदल कमल, तीन वृत्त, तीन भूपुर, इसमें चार ऊर्ध्व में त्रिकोण, 9 चक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र और 5 शक्ति चक्र हैं। इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मेरम स्थान और 24 संध्यावंती है। मेरा ये यंत्र सर्व सिद्धि प्रद और सौभाग्यदायक भी है। कलयुग के प्राणियों के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान होगा। जो भी इसकी पूजा करेगा उसे श्री विद्या ज्ञान प्राप्त होगा, जो अभी केवल नंदी जी को ही ज्ञात है। श्री चक्र मेरा आराधना स्थल भी है, मेरा निवास स्थल भी और मेरा रथ भी। प्रथम पूज्य गणेश, अब तुम जाकर मेरे श्री यंत्र पर अपना स्थान ग्रहण करो पुत्र। मुझे इतना सम्मान देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। भी अपने श्री रथ पर आने की कृपा कीजिए माता। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनय
विज्ञमौली स्फुरत तारा नायक शेखरां स्मित मुखिमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्याममलिपूर्ण रत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्या रत्नघटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत पराम्बिकां ध्यायेत पद्मासनस्थां विकसित वन्दनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्वेम पद्मांबराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्ता सतमभयदां भक्तनम्रा भवानीं श्रीविद्याशान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं। कर्म और कर्म फल का सिद्धांत अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जैसा कर्म वैसा फल। पांडुलम राज्य की पुकार पर, देवताओं की चित्कार पर, संसार को अत्याचार से मुक्त करवाने अवतरित होने वाले हैं स्वामी अयप्पा। तो देखिए सबरीमाला मंदिर के स्वामी अयप्पा की गाथा विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ।